ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान महाराणा प्रताप जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं मैं माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं ठीक हूं ये तो हम सभी कह सकते हैं किसी को भी कह सकते हैं लेकिन मैं परेशान हूं ये कहने के लिए बहुत खास होना चाहिए और क्या वो ख़ास आपके जीवन में है क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि हम बहुत अच्छे हैं हम हमारी खुशियाँ हर किसी के साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं परंतु तो अगर मैं परेशान हूँ और अपने दिल की बात किसी को कहना चाहूँ तो वो ख़ास हमारे जीवन में नहीं है उसकी वजह है आपसी ईगो इंसान का अपना वो एक अकेलापन और वो जो ध्रुवीकरण हो गया है कि मतलब मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ अकेला ही रहना चाहती हूँ मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है ये जो भाव लोगों में आ गए हैं स्वार्थ परता ये सभी आजकल उस खास को खत्म कर रहे हैं जिसके साथ हम हमारी परेशानी को बांट सकते हैं तो यदि आपके जीवन में ऐसा कोई खास है तो आप उसके साथ हमेशा ईगो को साइड में रखकर अपने अहंकार अभिमान शो ऑफ प्रदर्शन इन सब चीज़ों को साइड में रखकर उससे वो रिश्ता जरूर निभाइए क्योंकि ऐसा खास अगर आपके जीवन में है तो आप बहुत भाग्यशाली है और उस व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप उसके लिए कितने ख़ास हैं तब वो आपको अपनी परेशानी बता रहा है इसीलिए उसे भी आपकी वैल्यू होनी चाहिए तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए जीवन में वो ख़ास व्यक्ति ज़रूर बनाए और उसके लिए आपको अपने रिश्तों में माधुर्य और प्रेम को ही लाना होगा बाकी सब चीज़ों को निकाल देना है तभी आप ऐसे रिश्तों को बना पाएंगे और उन्हें कायम रख पाएंगे नमस्कार मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने 9 जून रविवार का यानी वीकेंड का दैनिक राशि पर लेकर उपस्थित हुई हूँ सबसे पहले आ जाते हैं आज के पंचांग पर तो जिस मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि आज है जो कि दोपहर तीन बजकर चौवालीस मिनट तक रहेगी उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी पुनर्वसु नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है जो कि रात्रि आठ बजकर बीस मिनट तक रहेगा उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा चंद्रमा आज मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे वृद्धि योग आज के दिन बन रहा है शुभ समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरियड दोपहर तीन बजे से लेकर चार बजकर तीस मिनट तक रहेगा वहीं काल का समय दोपहर चार बज के तीस मिनट से साय छः बजे तक रहेगा दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घी खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं आज के दैनिक राशिफल पर भाग्योदय के लिए आज मैं आपको कुछ राशिगत उपाय बताऊंगी तो इन उपायों के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए साथ ही यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं उचित रेमेडीज़ के द्वारा अपनी समस्याओं को खत्म कर सही बात पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है आपके थर्ड हाउस में बैठकर आज के दिन आपके छोटे भाई बहनों के साथ में चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे इवन कजन्स और भाई बहनों के साथ में अच्छे गेट टुगेदर चलेंगे आज के दिन आप अपनी हॉबी में मन लगाएंगे और हॉबी से मानसिक प्रसन्नता स्थिरता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे इस राशि के व्यक्तियों को गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए ऐसा करने से आपको आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होगी आपका शुभ रंग रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा पांच अब आते हैं वृषभ राशि पर आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे आज के दिन घर में मेहमान आ सकते हैं वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है वीकेंड का दिन है इसलिए आज, आज आप घर के कुछ जरूरी कार्यों में अपनी घर की महिलाओं की मदद करेंगे जिससे आपकी बॉन्डिंग आपके रिश्ते घर की महिलाओं के साथ और अधिक प्रगाढ़ होंगे इन लोगों को मिश्री का दान अवश्य करना चाहिए आपका शुभ रंग रहेगा का काला शुभ अंक रहेगा तीन अब आते हैं मिथुन राशि पर आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे अतः आज आपकी पर्सनालिटी बहुत ही आकर्षक रहेगी आज आप किसी पार्टी में जा सकते हैं वहाँ आप पार्टी की जान बन जाएंगे शत्रु भी आज आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे आज के दिन सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी इस राशि के लोगों को हरे रंग के मूंग की दाल का दान अवश्य करना चाहिए आपका शुभ रंग रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा चार अब आते हैं कर्क राशि पर आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन बारहवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे आज के दिन आपको भ्रमित नहीं होना है यदि कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करने का प्रयास करे तो उससे थोड़ा सा किनारा कर दें खर्चों में थोड़ा सा लिमिट रखना बेहद आवश्यक है आज के दिन परिवार से बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और आज के दिन किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है इस राशि के लोगों को चावल का दान अवश्य करना चाहिए आपका शुभ रंग रहेगा लाल शुभ अंक रहेगा छ अब आते हैं सिंह राशि पर आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन ग्यारहवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे आज का दिन आपके आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियों को बढ़ाएगा वहीं सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी सर्कल और लेवल बढ़ेगा आपके बड़े भाई बहन आज आपके घर में आ सकते हैं और उनके आगमन से आप अपनी सभी समस्याओं को भूल जाएंगे इस राशि के लोग गेहूँ का दान अवश्य करें आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी शुभ अंक रहेगा दो अब आते हैं कन्या राशि पर आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दसवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे काम को रफ्तार देने के लिए एक स्ट्रैटेजी आज के दिन आपको बनानी होगी उसके लिए आज आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर आगे की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं उनसे सही मार्गदर्शन ले सकते हैं आपको अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज के दिन प्राप्त होगा सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा इस राशि के लोगों को जानवरों को हरे रंग का चारा अवश्य खिलाना चाहिए आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा शुभ अंक रहेगा एक अब आते हैं तुला राशि पर आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे भाग्यवर्धक आज का दिन रहेगा आपके कार्य फटाफट से हो जाएंगे कुछ शुभ समाचार आपको कुटुंब से मिलेंगे आध्यात्मिक कार्यों में आज आपका मन अधिक लगेगा इस राशि के लोगों को कन्याओं को खीर का दान अवश्य करना चाहिए आपका शुभ रंग रहेगा बुरा शुभ अंक रहेगा सात अब आते हैं वृश्चिक राशि पर आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे आज का दिन यात्राओं से भरा रहेगा परंतु यात्राएं आपकी उपदेश्य पूर्ण रहेगी आज के दिन किसी विशेष कार्य में आपको सफलता पूर्ण रूप देखने को मिलेगी ससुराल वालों से आपको फाइनेंशियली और और मेंटली हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा इस राशि के लोगों को गुड़ और चने की दाल बंदरों को खिलानी चाहिए आपका शुभ रंग रहेगा बरगंडी शुभ अंक रहेगा छ अब आते हैं धनु राशि पर आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे आज के दिन किसी भी कार्य को जल्दबाजी कर, में करने से आपको बचना चाहिए कोई भी कार्य आज के दिन लापरवाही में ना करें आगे की योजनाओं पर पुनर्विचार आज के दिन आप कर सकते हैं कुछ बड़े बदलाव के संकेत आज के दिन आपको जरूर मिलेंगे और ये बदलाव आपको अपने जीवन में जरूर लाने चाहिए सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इस राशि के लोग किसी मंदिर में चने की दाल का दान अवश्य करें आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे शुभ अंक रहेगा पांच अब आते हैं मकर राशि पर आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे आज के दिन अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें पेट दर्द और सर दर्द की समस्या आज के दिन आपको हो सकती है आज के दिन अपने शत्रुओं से सावधान रहें लोग आपके परिवार को आपके खिलाफ कान भर सकते हैं ऐसे लोगों से सतर्क रहें आज के दिन गलत मित्रों की संगति आपके जीवन से छूट जाएगी और आपको सच्चे मित्र प्राप्त होंगे इस राशि के लोगों को कमलों का दान अवश्य करना चाहिए आपका शुभ आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे आज का दिन विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कुछ बड़ा अचीवमेंट आज के दिन आपको प्राप्त होगा संतान की तरफ से आपको सब समाचार मिलेंगे संतान आपकी आज्ञा में रहेगी आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी कलाकारों के लिए आज का दिन मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा इस राशि के लोगों को काली उड़द की दाल का दान अवश्य करना चाहिए आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी शुभ अंक रहेगा आठ अब आते हैं मीन राशि पर आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी परंतु आज के दिन प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों को न करें आज के दिन माँ के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा उनके साथ बॉन्डिंग और अधिक इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी वाहन के खर्चों से थोड़े से परेशान दिखाई देंगे इस राशि के लोगों को हल्दी और बेसन की मिठाई का दान करना चाहिए आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी शुभ अंक रहेगा छः तो ये है नौ जून रविवार का दैनिक राशिफल अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए जय श्री राधे कृष्णा गुरु मानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय काल सर्प दोष मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें आठ नौ पांच पांच छः पांच आठ तीन छः दो